हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे करंट एनर्जी आपके पर्सन की, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पार्टनर्स, टू ऑफ वांड्स, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। आप दोनों जैसे ही मिलते हैं कि अलग ही स्पार्क होता है आप दोनों के बीच में, जैसे कितने जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट स्टिल सेपरेशन पीरियड है, इंतज़ार की एनर्जी है। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, गए हैं तो खुद ही आएंगे ना। यस, पोजेसिव हैं बट ईगोइस्टिक हैं, डेविल एनर्जी आ गई, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि जाएं ये और मनाएं आप, मतलब इनको वापस बुलाने की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा इनको लगता है। क्या ये खुद से कॉल मैसेज करेंगे मेरे व्यूवर्स को? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके आपके आगे इनकी दाल नहीं गलने वाली, इनकी कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली है, तब ये झक मार के वापस आएंगे, फोर ऑफ पेंटिकल्स। या फिर तब देख लें जब इन्हें ऐसा लगे कि आपको खो देंगे ये, आप कहीं और जा रहे हो, किसी और से बातचीत कर रहे हो, रात रात तक ऑनलाइन हो, तो भी इन्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, चलो जल्दी वापस देखते हैं। थोड़ा डरा और अपने पार्टनर्स को, इतना लॉयल रह के इतना दिखाओगे आप लोग, जितना लॉयल ना उतना आजकल दुनिया आपको बेवकूफ़ बना लेगी। तो हमेशा चलाकी रखनी चाहिए ताकि सामने वाले पर्सन को भी लगे कि आप इनके प्यार में हो, बट इतने भी नहीं हो कि ये आपको भाव न दें और आप इनको पीछे पीछे पड़े रहो। सो थोड़ा अपने आप को अवेकन करो, सेल्फ लव में आओ। जब इंसान सेल्फ लव में आता है और सबसे पहले अपने आप को रखना शुरू करता है ना, तो आधे लोग निकल जाते हैं लाइफ से, उन्हें ऐसा लगता है कि यार चेंज हो गया ये, है ना। कई लोग आपकी लाइफ में चिपके रहेंगे, जब आप बहुत मुसीबत में रहोगे तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, बट आपकी उनको मसाला मिलता है, कुछ ना कुछ चाट मसाला मिलता रहता है, ठीक है, तड़का लगाते रहते हैं। और जैसे ही आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी, आप देखोगे या तो वो चिढ़ के चले जाएंगे या फिर आपको ब्लेम करके चले जाएंगे, ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन जो हैं ईगो में ही परेशान हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए प्यार में पागल बैठी है या बैठा है, ये तो कहीं और जाने से रही, ये तो बड़ा दुखियारा सा है, दुखियारी सी है, अपनी लाइफ में मज़े करते हैं। जिस दिन ये देख लेंगे आपने किसी और का हाथ थाम लिया, भले आप अपने भाई के साथ ही फ़ोटो डाल दो किसी जिसको वो नहीं जानते, या आप रात को ऑनलाइन आकर बैठ जाओ, 10 दिन बैठो, 14-15 दिन के अंदर आपको ऐसा चेंज दिखेगा आपके पर्सन के अंदर। आएंगे भी, आपसे बातचीत भी करेंगे और वो ये भी देखेंगे कि भैया तुम क्यों रात तक ऑनलाइन रहती थी या रहते थे। तो थोड़ा तड़का आप लोग भी लगाए कीजिए, क्योंकि ये ईगो से परेशान है, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, नो डाउट प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, अट्रैक्शन भी है, और इन्हें ये भी पता है कि आपके अंदर दम है कि आप और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो आपके प्यार में पागल हुए बैठा है, नहीं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट आपने इनको प्रायोरिटी दे रखी है, ये उनको जताइए आप, और ये चीज़ें इनको पता भी हैं, लेकिन आप इतने सिधाई से रहते हो कि इन्हें ऐसा लगता है कि ईगो में रहो, डेविल एनर्जी में रहो, जब मैं आऊँगी या मैं आऊँगा तब उछल पड़ेगी ये तो प्यार में, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन वी हैव द मजिशियन,
ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं 24 घंटे। टेलीपैथी में आप अगर इनके ड्रीम्स देखते हो सपने में, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप इनको न चेज कर रहे हो, ना इनको स्पाई कर रहे हो, ना इनका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, उसके बाद भी अगर ये आपके ड्रीम में आते हैं, इसका मतलब कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं या ये आप पे नज़र रखें। बट अगर आप स्पाई करते हो, आप बहुत ज़्यादा इनको चेज करते हो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्टोरी डली है, क्या स्टेटस डला है, तब अगर ये आपके ड्रीम में आते हैं तो ये साइकोलॉजिकल ड्रीम है, मतलब आपने सोचा इसलिए वो आपके ड्रीम में आए। वन मोर मैसेज, करेंट एनर्जी। ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं आप तक वापस आने के लिए, इस रिश्ते में एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। एक्शन की एनर्जी है विद द वर्ल्ड, तो ये जो बंदा है या बंदी है, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। सो ये सिचुएशन है। रीडिंग की शुरुआत भी इंतज़ार से हुई है और रीडिंग की एंडिंग भी इंतज़ार पे ही हुई है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखो डेविल यहाँ से भी आ गया, ये मैसेज करना चाहते हैं बट डेविल एनर्जी, ईगो की वजह से नहीं कर रहे, इंतज़ार करते बैठे हैं। सेम एनर्जी है जो अभी आई उस डेक से, वही एनर्जी इस डेक से भी आई है। इनको स्ट्रेस भी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये जानना चाहते हैं। ये अपने बारे में कोई ना कोई रीज़न दे सकते हैं कि मैं बहुत बिज़ी थी या बिज़ी था, या मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या इमोशनली मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, या मेरे घर में ये बवाल हो गया वो बवाल हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम ये बताएंगे, लेकिन किसी न किसी रीज़न से ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे क्योंकि मैसेज का कार्ड है। तो अगर अभी तक ये इंतज़ार कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये खुद आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर ये छोड़ कर गए हैं तो यही रिटर्न आएंगे। यहाँ पर आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये आपके बिना रह लेते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन तो मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, मेरे सामने से जा रहा है बट मुझे देख नहीं रहा, तो इस तरह की एनर्जी ये शो कर रहे हैं ताकि आप इनको चेज करो। लेकिन आपको शांति से बैठना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, पॉजिटिव रहना है, अपना हीलिंग कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो लौट कर वापस आएगा। यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है एंड 8 नंबर की एनर्जी है, इसका मतलब है मिनिमम 20 घंटे, मैक्सिमम 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की एनर्जी है। तो मैक्सिमम 2 डेज, मिनिमम 26 आवर्स के अंदर आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे इस दौरान में। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने कहा है ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं ही मैसेज कर लूँ, नहीं आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको शांति से रहना है और अगर वो छोड़कर गए हैं तो उन्हें ही आने का मौका दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन करना सीखिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या मैसेजेस हैं। ओके, पैसा बरसने वाला है, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है काफ़ी लोगों पर। फैमिली विशेज़ कम ट्रू, आपकी परिवार की कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, हो सकता है आपकी कोई इच्छाएं पूरी। अभी शॉर्ट्स में भी आया था, शॉर्ट मैसेज में भी रैंडमली यही कार्ड आया था और यहाँ से भी आ गया। देन वी हैव न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी बच्चे के जन्म लेने की खबर मिले या कोई नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड खबर मिले। कई डिवाइन यूनियंस होने वाले हैं, स्पिरिचुअल लव की एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डिवाइन यूनियन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर कार्ड, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। हो सकता है कई लोग नया घर लें, नई गाड़ी लें, नया कोई गैजेट लें, कुछ नया नया आप लोग ले रहे हैं और बड़े एटीट्यूड में हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में बच्चा कब होगा,
मेरी फैमिली कब सेटल होगी, बहुत सारी ये सारी चिंताएं या तो आपको या आपके परिवार को बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे बेटी की शादी कब होगी या मेरे बेटे की शादी कब होगी या शादी नहीं हो रही है। इस तरह का टेंशन काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। तो इसके लिए उपाय क्या है? सिंपल उपाय है, हील योरसेल्फ, अपने ब्लॉकेजेस। अगर शादी नहीं हो रही है, सोलर प्लेक्सेस और रूट चक्रा को हील करें। सैक्रल अपने आप हील होगा बिकॉज तीनों चक्रा लाइन से हैं। तो शुरू के 3 चक्रा हील कीजिए, आपके अपने आप ब्लॉकेजेस हील होंगे। साथ ही साथ शिव शक्ति की आराधना कीजिए, ठीक है, या लक्ष्मी नारायण, जिसको भी आप मानते हैं, लक्ष्मी नारायण की तरफ आपका दिल लगा है, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। शिव शक्ति की तरफ दिल लगा है तो शिव शक्ति की आराधना करें। जो भी आपके इष्ट हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। गौ माता को गुड़ चना खिलाएं और अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और अफर्मेशंस के साथ, और नहा लें। हल्दी का मतलब हल्दी झोंकनी नहीं है, एक चुटकी, और उसके बाद नहा लें तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।